गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एनी डाउट्स बेटे? प्रीवियस क्लास के कोई डाउट्स? हमने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। एनी डाउट्स जो हमने लास्ट क्लास में किया था? ओके, सो करें कंटिन्यू आगे। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? सो कल हमने यहाँ पर छोड़ा था कि एडवांटेजेस को हम डिस्कस करेंगे। मैंने कहा था कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्रीज करता है एफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेशन को, राइट? सो इंक्रीज कैसे करता है वो एफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेशन को? इसके अंदर आपके पास क्या है कि जो आपके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंदर आपने पढ़ा था कि जिनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनके अंदर एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, दैट इज द हार्ट, जिसे हमने कहा था एक कॉन्ट्रेक्टाइल ऑर्गन है, और सिंपली यू कैन से इट्स अ पंपिंग ऑर्गन, राइट? ये जो पंपिंग ऑर्गन है ये मेंटेन करता है, और यू कैन से कि ये हार्ट जो है ये जनरेट करता है सफिशियंट ब्लड प्रेशर। इट जनरेट्स सफिशियंट ब्लड प्रेशर, राइट? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सफिशियंट ब्लड प्रेशर? सफिशियंट ब्लड प्रेशर का यहाँ पर मतलब है कि जिस ऑर्गन को जितना प्रेशर रिक्वायर्ड होता है उतना ही प्रेशर ये जो हार्ट है वो मेंटेन करता है, और अगर किसी ऑर्गन को ज्यादा जल्दी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई चाहिए तो ये क्या कर देता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, ठीक है? और अगर हम सिर्फ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर एज सच सफिशियंट फ्लो नहीं होता, कभी बहुत ज्यादा तेज होता है और कभी बहुत ज्यादा स्लो होता है, क्योंकि वहां पर प्रेजेंट होते हैं साइनसिस, क्लियर? सो नेक्स्ट आता है आपके पास रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो। ये तो था आपके पास इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। सो नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो। हमारे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक तो जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं उनमें हम बोलते हैं एक आर्टरीज होती है, आई थिंक आप सब फेमिलियर हो इस टर्म के, तो आर्टरीज से टर्म आई है आर्टीरियल मस्क्यूलेचर, एंड सेकेंड आता है आपके पास प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। ये जो दो चीजें हैं आपके पास इनका मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज होती हैं उनका जो अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से मेंटेन है या इस तरह से बना हुआ है कि वो ब्लड की सप्लाई जो है उसको रेगुलेट रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो आर्टरीज का मस्कुलेचर है जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये बना होता है आपके पास स्मूद मसल्स, इट इज मेड अप ऑफ स्मूद मसल फाइबर्स जो कि मेंटेन करते हैं ब्लड के फ्लो को, एंड सेकेंडली प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर जो कैपिलरीज प्रेजेंट हैं ये मेंटेन करते हैं ब्लड फ्लो, मेंटेन्स द ब्लड फ्लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर एंड आर्टेरियल मस्कुलेचर। यू हैव टू लर्न दीज टू नेम्स, आर्टेरियल मस्कुलेचर एंड प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। एंड सेकेंडली हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो विंटर्स के अंदर हमारी बॉडी के जो टिप्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे फिंगर के टिप्स हो गए, हमारे टोज के टिप्स हो गए, हमारे नोज का टिप हो गया, ये बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो कैपिलरीज हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर एब्सेंट होती हैं, और यहाँ पर आर्टरीज जो है सीधा वेन्स के साथ कंबाइन होती है, यहाँ पर कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती, राइट? जिससे कि टाइम कंजप्शन जो है फ्लो ऑफ ब्लड में वो कम लगता है, और साथ ही साथ फटाफट से ब्लड सप्लाई हो जाती है, ठीक है? और ये वो टिप्स हैं हमारी बॉडी के, यहाँ पर हमें ब्लड सप्लाई ज्यादा नहीं करनी पड़ती, रीजन बीइंग क्योंकि टिप्स से हमारी बॉडी का जो हीट है वो लॉस हो जाता है, क्लियर? क्लियर?
इसको प्लीज नोट कर लीजिए। Done. Good morning, Ayush. Okay, so next है आपके पास, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास वो है आपके पास ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एक स्पेशल चीज होती है, वो है आपके पास ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स होती हैं आपके पास ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स, और यहाँ पर जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन ब्लड वेसल्स को अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये होते हैं आपके पास, दीज आर दी इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब्स, राइट? दीज आर दी इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब्स। इनका मेन फंक्शन क्या है? इज टू कैरी ब्लड। फंक्शन इज टू कैरी ब्लड, क्लियर? ये ब्लड कैरी करती है, एंड ब्लड वेसल्स की जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं एंजियोलॉजी। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, हम उसे बोलते हैं एंजियोलॉजी। हर एस्पेक्ट में ब्लड वेसल्स की स्टडी करना, उसे हम बोलते हैं एंजियोलॉजी। नाउ हमारी बॉडी के अंदर अगर हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की, तो मेन जो आपके पास ब्लड वेसल्स हैं एनिमल्स के अंदर जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम करते हैं, वो है आपके पास तीन। सबसे पहले आती हैं आपके पास आर्टरीज, देन कैपिलरीज, एंड देन आती है आपके पास वेन्स, क्लियर? थोड़ा सा मैंने आपको कल बताया था कि जो कैपिलरीज है ये बहुत ही माइन्यूट होती हैं, एंड ये पेनिट्रेट करती हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर, पेनिट्रेट्स द ऑर्गन्स, राइट? ये ऑर्गन्स के अंदर पेनिट्रेट करती हैं, एंड कैपिलरीज क्योंकि ऑर्गन्स के अंदर पेनिट्रेट करती हैं, इनसे जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर हमारे ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, या ब्लड सेल्स आप बोल सकते हैं, ये ब्लड सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, स्पेशली हम बात करते हैं WBCs की, ये WBCs अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। एमीबॉइड मूवमेंट, एमीबॉइड मूवमेंट का मतलब होता है कि ये अपनी शेप को चेंज कर कर एंटर कर जाते हैं इनटू द ऑर्गन। एमीबॉइड मूवमेंट शो कर कर दे एंटर इनटू द बॉडी ऑर्गन्स, राइट? एंड ये जो मैकेनिज्म है WBCs का, अमीबॉइड मूवमेंट की वजह से बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर एंटर कर जाना या स्किप कर जाना उनको, उसे हम बोलते हैं डाया डायपेडेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डायपेडेसिस। डायपेडेसिस होता है जो हमारे WBCs अमीबॉइड मूवमेंट शो कर कर ब्लड कैपिलरीज में से निकल जाते हैं, दैट इज द डायपेडेसिस। और ये क्यों होता है, कब होता है? ये होता है जब हमारे कोई भी ऑर्गन जिनके अंदर हमारी ब्लड कैपिलरीज एंटर कर रही हैं, वो ऑर्गन्स अगर इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है? इन्फेक्शन की कंडीशन के अंदर ये WBCs डायपेडेसिस शो करते हैं। रीजन बीइंग आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर कभी भी अगर इन्फेक्शन होता है तो ये जो WBCs हैं इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, राइट? क्योंकि इनका मेन फंक्शन क्या है? फेगोसाइटोसिस, ठीक है, एंगल्फ करना पैथोजन को। तो जहां पर इन्फेक्शन होता है, ये डायपेडेसिस की वजह से उन सेल्स उन ऑर्गन्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। एंड सेकेंड आती है आपके पास आर्टरीज। आर्टरीज और वेन्स ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर जो है इनका सेम है, तो कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं इनके अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये है आपके पास आर्टरीज जो कैरी करते हैं ब्लड को, दैट कैरी ब्लड
कहां पर लेकर जाते हैं? अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट, जो ब्लड को कैरी करते हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, एंड वेन्स होती हैं जो कैरी करती हैं ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ये मेन एक डेफिनेशन है आर्टरीज की और वेन्स की, जिसको आपको जरूर याद रखना है कि अदरवाइज आप ये पढ़ते हैं आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन है आपके पास पल्मोनरी, एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन है आपके पास पल्मोनरी। बट प्लीज ध्यान रखना, कभी भी अगर आप डेफिनेशन देते हो तो डेफिनेशन के अंदर हम कभी भी एक्सेप्शन वाली डेफिनेशन नहीं देते। सो मेन डेफिनेशन जो है आर्टरीज की वो आपके पास, दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। क्लियर? सो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, ब्लड वेसल्स। Done all of you? Okay, any doubt? Arteries, veins and capillaries को भी हम और discuss करेंगे। तो ये just introduction था, तो अभी हम बात करते हैं इनके structure की। Structure इनका कुछ ज्यादा differ नहीं करता, इनके अंदर present होती हैं। सबसे पहले आप heading बना लीजिए, structure of blood vessels। बट ये याद रखना, कभी भी डेफिनेशन देंगे आप, डेफिनेशन के अंदर एक्सेप्शन वाली डेफिनेशन कभी नहीं दोगे आप, ठीक है? तो डेफिनेशन में आप हमेशा सिर्फ ये देंगे, आर्टरीज जो कैरी करती हैं ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स दैट कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर, इनके अंदर हम पढ़ते हैं जो, वो है आपके पास तीन इनकी मेम्ब्रेन्स हैं, यू कैन से जो तीन मेम्ब्रेन्स हैं उसके अंदर सबसे पहले आती है आपके पास ट्यूनिका। फर्स्ट इज दी ट्यूनिका इंटरना, सेकेंड आती है आपके पास ट्यूनिका मीडिया। ये जो ट्यूनिका टर्म है ये हम मेम्ब्रेन्स के लिए यूज करते हैं, एंड थर्ड है आपके पास ट्यूनिका एक्सटर्ना। चाहे आप आर्टरीज की बात करो, चाहे आप वेन्स की बात करो, उन तीनों दोनों के अंदर आपके पास ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना प्रेजेंट होती है। एंड जो आपके पास ट्यूनिका इंटरना है, इंटरना का मतलब होता है जो सबसे अंदर वाली होती है, ट्यूनिका इंटरना को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इंटू टू मेम्ब्रेन्स। फर्स्ट आती है आपके पास इनर एंडोथीलियम, ये आपने पढ़ी हुई है जब मैंने आपको एल्वियोलाय का कंसेप्ट बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कैसे एक्सचेंज होता है, कैसे कैपिलरीज एंटर करती हैं। सो ये आपके पास तब आपने पढ़ा था इनर एंडोथीलियम। एंड सेकेंड आती है आपके पास आउटर इलास्टिक मेम्ब्रेन, आउटर इलास्टिक मेम्ब्रेन। एंड ये जो आपके पास ट्यूनिका इंटरना है, नेम ही बता रहा है, इंटरना का मतलब है कि ये आपके पास सबसे इनर कोट, यू कैन से इनर मेम्ब्रेन है, इट इज द मोस्ट इनर मेम्ब्रेन। ये सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है। एंड अगर हम बात करते हैं एंडोथीलियम की, तो ये आपके पास क्या है, एंडोथीलियम दैट इज द काइंड ऑफ एक्ट करती है एज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। एंड जो आउटर इलास्टिक मेम्ब्रेन है, ये आपके पास इलास्टिक टर्म आपने सुना हुआ है जब हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर किया था, तो ये आपके पास बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक टिश्यू,
ये आप बोल सकते हैं येलो इलास्टिक फाइबर्स, राइट। ये जो इलास्टिक फाइबर्स हैं, यहाँ पर इनका मेन फंक्शन क्या है, इज टू प्रोवाइड इलास्टिसिटी, कि अगर हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड कभी ज्यादा आता है या कम आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो हमारी वेसल्स हैं वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते। दिस इज द मेन रीजन कि यहाँ पर क्या है, इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होती है। एंड ये जो आपके पास एंडोथीलियम और इलास्टिक मेम्ब्रेन और सिंपली यू कैन से जो ट्यूनिका इंटरना है, ये आपके पास प्रोवाइड करती है स्मूथ सर्फिस। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ प्रोवाइड स्मूथ सर्फिस। किसके लिए स्मूथ सर्फिस प्रोवाइड करती है? रेजिस्टेंस को मेंटेन करती है यू कैन से, और स्मूथ सर्फिस फॉर ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो जो है यहाँ से बहुत अच्छे से होता है क्योंकि स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करे, दैट इज द ट्यूनिका इंटरना। नेक्स्ट आती है आपके पास ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो मीडिया है आपके पास मिडल कोट, नाम बता रहा है मीडिया, दैट इज द मिडल कोट या मिडल मेम्ब्रेन, इट इज द मिडल मेम्ब्रेन। एंड इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं आपके पास स्मूथ मसल फाइबर्स, स्मूथ मसल फाइबर्स। एंड ये जो आपके पास स्मूथ मसल फाइबर्स हैं, इनके अंदर मिक्सचर होता है आपके पास इलास्टिक फाइबर्स का एंड कोलेजन फाइबर्स का, इलास्टिक फाइबर्स एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेजन फाइबर्स। बहुत कम अमाउंट में होते हैं कोलेजन फाइबर्स, मैक्सिमम आपके पास इलास्टिक फाइबर्स होते हैं कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स का नंबर ज्यादा होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना के अंदर। सो ट्यूनिका एक्सटर्ना है आपके पास, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है। एंड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके पास दोनों इक्वल अमाउंट में व्हाइट एंड येलो फाइबर्स। नाउ आप सबको पता है व्हाइट और येलो फाइबर्स का मेन फंक्शन क्या है। व्हाइट एंड येलो फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ, ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के साथ साथ ये अलाउ करते हैं इलास्टिसिटी, दैट मीन्स दे हेल्प्स दीज ब्लड वेसल्स to expand properly, right, and prevents and also helps in expansion. Prevents का मतलब है नाजायज expansion नहीं होने देते कि खाली blood vessels हमारी expand हो जाएं, कि undue expansion से prevent करते हैं and help करते हैं expansion में। कब? जब हमारे blood vessel के अंदर excess में blood आ जाता है तभी expansion में help करते हैं, राइट। सो ये आपके पास जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसके अंदर आपके पास तीन मेम्ब्रेन्स आती हैं। तो ब्लड वेसल्स कंसिस्ट ऑफ थ्री कोट्स, दीज थ्री कोट्स आर, ये हैं आपके पास थ्री कोट्स, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। प्लीज इसको नोट कीजिए, अभी मैं इसको डायग्रामेटिकली भी आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट आता है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, डिफरेंसेस भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। तो फर्स्ट ही आपके पास ट्यूनिका इंटरना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ट्यूनिका इंटरना दिखा रही हूँ। दिस इज द ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना जो थी आपके पास वो दो मेम्ब्रेन्स के अंदर फॉर्म थी। तो ये थी आपके पास फर्स्ट, तो ये आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन और यू कैन से सिंपल इनर एंडोथीलियम।
तो यहाँ पर आपके पास एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे, ये आपके पास एंडोथीलियल सेल्स आर देयर। अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी आपने रिसेंटली पेपर्स दिए हैं, एग्जाम्स दिए हैं, उसके अंदर आपने स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे। जब एल्वियोलाई के पास वो आती है तभी आपके पास सेम डायग्राम हमने ड्रॉ किया था थोड़ा सा। तो ये थी आपके पास सबसे पहली मेम्ब्रेन, दैट इज द एंडोथीलियम। एंडोथीलियम के जस्ट बाहर यहाँ पर प्रेजेंट होती है आपके पास इलास्टिक मेम्ब्रेन। सो अगर मैं इसी में डिफाइन करूँ तो दिस वन ब्लू सेल्स जो है, दिस इज द एंडोथीलियम, एंड जो रेड वाली आ गई आपके पास, दिस रेड वन इज द इलास्टिक मेम्ब्रेन। राइट, इन दोनों को कलेक्टिवली हमने नाम दिया, क्या था आपके पास, ट्यूनिका इंटरना। सो कलेक्टिवली दे आर ट्यूनिका इंटरना। राइट, सो नेक्स्ट आता है आपके पास इस डायग्राम के अंदर थर्ड मेम्ब्रेन आती है, वो आती है आपके पास ट्यूनिका मीडिया। सो ट्यूनिका मीडिया जो है आपके पास इतना पोर्शन, दिस वन, दिस वन पोर्शन इज द ट्यूनिका मीडिया, दिस वन ट्यूनिका मीडिया। सो ट्यूनिका मीडिया आपके पास किससे बनी हुई थी, एक तो पहली बात तो ये मिडल मेम्ब्रेन थी, एंड इसके अंदर प्रेजेंट है आपके पास स्मूथ मसल फाइबर्स। स्मूथ मसल फाइबर्स के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट हैं सेल्स, स्मूथ मसल फाइबर्स के सेल्स ये हैं आपके पास सर्कुलर मैनर के अंदर अरेंज हैं सेल्स। इसके अंदर आप सर्कुलर मैनर के अंदर अरेंजमेंट शो कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास सर्कुलर मैनर के अंदर सेल्स आर अरेंज्ड। राइट, उसके बाद आती है आपके पास ट्यूनिका मीडिया, इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर भी लिखवा दूंगी ताकि आपको लर्न करना इजी हो जाए। एंड लास्ट आती है आपके पास ट्यूनिका एक्सटर्नल, दैट इज द एक्सटर्नल कोट, यहाँ है आपके पास ट्यूनिका एक्सटर्नल। इसको आप कोई भी बैंगल से सर्कुलर मैनर के अंदर स्मॉल लार्ज या कंपास तो आपको आती होगी, पता ही होगा। सो ये आपके पास लास्ट वन इज द ट्यूनिका एक्सटर्नल। ट्यूनिका एक्सटर्ना के अंदर आपके पास दो तरह की मसल फाइबर्स थी, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए इस वे में दिखा देते हैं। इसके अंदर आपके पास कोलेजन फाइबर्स भी थी, वाइट एंड येलो फाइबर्स आर प्रेजेंट। तो ये है आपके पास ट्यूनिका एक्सटर्ना, इट्स वेरी सिंपल। और जो सेंटर के अंदर आपको विजिबल है, दिस इज द ल्यूमेन, जहां पर आपका ब्लड जो है फ्लो करेगा, ब्लड जो है इसके अंदर आता है, एंड ब्लड इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एंडोथीलियम, बेसल एंडोथीलियम इसके साथ कॉन्टेक्ट में होता है डायरेक्ट ब्लड। नाउ द डिफरेंस इज कि जो आपके पास स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस आता है, वो सबसे पहला डिफरेंस आता है आपके पास वेन के अंदर। अगर हम वेन की बात करते हैं तो वेन के अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है, जो आपके पास यहाँ पर इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ट्यूनिका इंटरना की। राइट, ट्यूनिका इंटरना की जो इलास्टिक मेम्ब्रेन है वो वेन के केस में बहुत ही थिन होती है। राइट, तो आई एम राइटिंग हियर ट्यूनिका इंटरना इज थिन। इसका रीजन क्या है ट्यूनिका इंटरना का थिन होने का, रीजन सबसे बड़ा ये है कि वेन्स जो है वो ब्लड कैरी करती है कहाँ पर, टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ एक ही जगह पर आना होता है ब्लड, लेकिन आर्टरीज के केस में ट्यूनिका इंटरना थिक होती है। रीजन बीइंग क्योंकि आर्टरीज ने हर एक ऑर्गन तक जाना होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर जाना होता है, सो इसीलिए वो थिक होती है, एंड वेन्स के केस में ये क्या होती है, थिन होती है। क्लियर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज इन ल्यूमेन ऑल्सो। वेन्स के केस में जो आपके पास ल्यूमेन है ये होता है आपके पास ब्रॉड। राइट, बट इन केस ऑफ आर्टरीज जो ये ल्यूमेन है आपके पास वो क्या होता है, स्मॉल। अगर आप डायग्राम दिखाएंगे ये आप एक जनरल ब्लड वेसल दिखा सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इसको लेते हो आर्टरीज का
तो जब आप वेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, लेकिन सेंटर जो है आप इससे थोड़ा सा ब्रॉड दिखाएंगे, ठीक है? तो इसके अंदर आपके पास ब्रॉड ल्यूमेन होगा, ल्यूमेन ब्रॉड इन केस ऑफ वेन्स, वेन्स के केस में आपके पास जो सेंट्रल ल्यूमेन है वो ब्रॉड है। ये आपके पास ट्रांसवर्स सेक्शन दैट इज टीएस ऑफ ब्लड वेसल। अदरवाइज अगर आपने दोनों डायग्राम बनाने हैं तो दोनों सेम आएंगे, लेकिन ल्यूमेन के अकॉर्डिंगली आप एक में छोटा ल्यूमेन दिखाएंगे दैट इज नैरो ल्यूमेन इन केस ऑफ आर्टरी, एंड ब्रॉड ल्यूमेन दिखाएंगे इन केस ऑफ वेन्स। प्लीज ड्रॉ इट, आई थिंक कर लिया होगा, ड्रॉ हो गया डायग्राम, एनी डाउट? उसके बाद हम करते हैं मेन डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। डन। ओके, नेक्स्ट है आपके पास मेन डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज की बात करते हैं तो पहली डेफिनेशन आएगी डिफरेंसेस में, दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम दी एंड वेन्स दैट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स दी हार्ट। सेकेंड पॉइंट में आप डिफरेंस में लिख सकते हैं कि आर्टरीज जो है ये कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी ऑक्सीजनेटेड एंड एक्सेप्शन आप लिख सकते हैं, एक्सेप्शन या एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है ब्लड को हार्ट से टुवर्ड्स दी लंग्स, इसीलिए इसके अंदर होता है आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड वेन्स की हम बात करते हैं तो वेन्स दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। दिस पल्मोनरी वेन कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, राइट? दैट इज लंग्स से ये हार्ट के पास लेकर जाती है ब्लड को। एंड नेक्स्ट डिफरेंस है जो आपके पास आर्टरीज होती हैं ये बहुत अंदर को होती हैं, दैट इज आर्टरीज आर डीप सीटेड, ये ऊपर आपको सुपरफिशियली नहीं दिखती हैं, जबकि वेन्स जो है ये आपके पास सुपरफिशियल होती हैं, ऊपर से हमें विजिबल होती हैं, दैट इज द आर्टरीज एंड वेन्स। नेक्स्ट है आपके पास जो आर्टरीज हैं इनका, अभी मैंने आपको बताया था नैरो ल्यूमेन होता है, दे हैव अ नैरो ल्यूमेन। एंड वेन्स के केस में आपके पास ल्यूमेन जो है ब्रॉड होता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज आर्टरीज के केस में वाल्व्स एब्सेंट होते हैं, राइट? दे हैव नो वाल्व्स। आर यू फेमिलियर विद दिस वर्ड वाल्व्स? आर यू फेमिलियर विद दिस वर्ड वाल्व्स? एनीवन, वाल्व्स क्या होती हैं?
क्या होती है वेल्व्स? यस, जैसे आपने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था स्फिंक्टर्स होते हैं, वैसे ही वेल्व्स होती हैं। बट ऐसा नहीं है, आपने सुना भी होगा कि हमारी आर्टरीज के अंदर वेल्व्स होते हैं, बट जो यहाँ पर लिखा है टर्म नो वेल्व्स, इसका मतलब होता है कि जो आपके पास आर्टरीज हैं उनके अंदर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास आर्टरी है, राइट? आर्टरी के यहाँ पर, दिस वन, यहाँ पर एज सच कोई वेल्व नहीं होगा, नो वेल्व। जैसे ही आपके पास आर्टरी खत्म होती है, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास आर्टरी खत्म हो गई, राइट? तो आर्टरी के खत्म होने पर, दैट इज यू कैन से आउटलेट, यहाँ पर वेल्व प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट एट दी आउटलेट्स, आउटलेट्स पर प्रेजेंट होता है। जबकि हम वेन्स की बात करते हैं तो वेन्स जैसे हैं, इनके बीच में कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है, तो इनके इनलेट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वाल्व्स, लेकिन आर्टरीज के आउटलेट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेजर आर्टरीज, राइट? हैव नो वाल्व्स एंड ओनली मेजर आर्टरीज, मेजर आर्टरीज के, दैट इज कौन कौन सी मेजर आर्टरीज आपके पास आती हैं? फर्स्ट आती है आपके पास आयोटिक आर्क एंड पल्मोनरी आर्टरी, आयोटिक आर्क एंड पल्मोनरी आर्टरी, इनके पास प्रेजेंट होते हैं, एंड वो होते हैं आपके पास आउटलेट, आउटलेट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एंड वेन्स की अगर हम बात करते हैं, इनलेट्स होती है मेजर वेन्स, मेजर वेन्स आती हैं इसके अंदर आपके पास वेना केवा, और वेना केवा भी स्पेशली इंफीरियर वेना केवा, इसके पास प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं आपके पास इनलेट, इनलेट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एंड मोस्टली आपको पता ही है वाल्व्स क्या होते हैं, प्रिवेंट बैक फ्लो, और यू कैन सी इट एक्स एज अ जस्ट लाइक स्विंग, कभी ओपन होगा तो कभी क्लोज होगा अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, राइट? इसको नोट कीजिए प्लीज, आर्टरीज एंड वेन्स। इसके अलावा कोई और डिफरेंस? एनी अदर डिफरेंस एनी वन? थिन वॉल्स एंड थिक वॉल्स, राइट? रैपिड फ्लो, स्लो फ्लो, एनी अदर डिफरेंस जो मैं सुनना चाहती हूँ, एक मेन डिफरेंस? एक्सक्यूज मी, चलो मुझे ये बताओ कि जो आपके पास आर्टरीज और वेन्स हैं, इनके अंदर अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो इनमें से किसके अंदर ब्लड रहता है आफ्टर डेथ और किसके अंदर ब्लड नहीं रहता आफ्टर डेथ? जब तक आप सोचो तब तक मैं आपके बताए हुए डिफरेंसेस यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि आपके पास ब्लड फ्लो की अगर हम बात करते हैं तो आर्टरीज के केस में आपके पास क्या होता है, ब्लड फ्लो क्या होता है? ब्लड जो है वो फ्लो करता है विद कंसिडरेबल प्रेशर, ठीक है? सो आई एम राइटिंग हियर, ब्लड हैज कंसिडरेबल प्रेशर, और ये प्रेशर क्यों होता है? ये प्रेशर इस रीजन से होता है क्योंकि आर्टरीज से जो ब्लड आ रहा है वो कौन कैरी कर कर ला रहा है? बेसिकली पंपिंग से हो रहा है, जो कि हार्ट पंप करता है उसी की वजह से यहाँ पर प्रेशर होता है। एंड अगर हम वेन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपैरेटिवली लो प्रेशर होता है, राइट? हैज कंपैरेटिवली लो प्रेशर। चीटिंग करके नहीं बताना मेरा आंसर, ओके? एंड नेक्स्ट, किसी ने मुझे बताया था अभी कि इनका जो मेम्ब्रेन्स है वो क्या होती है, थिक होती है, थिक मेम्ब्रेन्स, और यू कैन से थिक इलास्टिक मेम्ब्रेन, और वेन्स की हम बात करते हैं तो इनकी क्या होती है आपके पास, थिन होती है इलास्टिक मेम्ब्रेन, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, थिन
elastic membrane. So, कर लिया मेरा क्वेश्चन. ब्लड स्टॉप्स इन वेन्स आफ्टर डेथ. देखो आर्टरीज के अंदर आफ्टर डेथ जो है आर्टरीज एम्प्टी हो जाती हैं. रीजन कोई बता सकता है? दे बिकम एम्प्टी आफ्टर द डेथ. एंड जबकि वेन्स जो है इनके अंदर ब्लड स्टिल प्रेजेंट होता है इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन और एनिमल. राइट, कंटेन ब्लड इवन आफ्टर द डेथ. रीजन ये है क्योंकि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड आता है वो आता है बिकॉज ऑफ द पंपिंग ऑफ द हार्ट. राइट, जब हार्ट पंप करना बंद कर देता है तो उसके बाद आपके पास आर्टरीज के अंदर ब्लड आने के चांसेस जो है वो ऑब्वियसली नेग्लिजिबल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. जब ब्लड की वजह से प्रेशर ही नहीं लगेगा तो हमारे आर्टरीज के अंदर ब्लड जो है वो नहीं आएगा. सो इसीलिए जो आपके पास आर्टरीज है वो एम्प्टी हो जाती है आफ्टर डेथ. डन. और शुड आई स्क्रॉल? All of you done? So it was all about arteries ka structure. Now next topic hai aapka ब्लड. इसी अगर हम बात करें ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कितने लीटर्स ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है? एनीवन, कितने लीटर्स ऑफ ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर? Yes, that is approximately 4 to 7 liters. 4 to 7 liters of blood जो है हमारी body के अंदर present है. And हमारी body का approximately 6 to 10% body weight. Right? वो है आपके पास blood का. और अगर हम स्टडी करते हैं ब्लड की ऑल एस्पेक्ट्स के अंदर तो हम उसे बोलते हैं हेमेटोलॉजी. हेमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड इन ऑल एस्पेक्ट्स. जो भी ब्लड के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन सबकी स्टडी करना. सो अगर हम बात करते हैं और ब्लड के अपीयरेंस की तो ये आपको पता होगा कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है. एंड कनेक्टिव टिश्यू जो है आपके पास ये मेसोडर्मल इन ऑरिजन है. तो यहाँ पर जो ब्लड है ये भी आपके पास क्या है? पहली बात तो इट्स अ मोबाइल फ्लूइड, मूवेबल है. एंड ये आपके पास क्या है? कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू and is mesodermal in origin. Right, it's mesodermal in origin. ये आप सबको पता है mesodermal क्या होता है. Now, most important next thing is blood जो है ये आपके पास क्या होता है? Red color का. When oxygenated. बट ये आपके पास पर्पल और ब्लूइश हो जाता है. पर्पल और ब्लूइश इन कलर
when deoxygenated. Right? इसको नोट कर लो फटाफट से. Now, can you tell me the pH of the blood? pH of the blood. pH जो हमारे ब्लड का वो होता है आपके पास न्यूट्रल, ये आपके पास 7 to 7.5. क्लियर? In 7.4 approximately. RH क्या मतलब R कैपिटल है या R स्मॉल है? क्योंकि RH फैक्टर अभी आपने स्टडी करना है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा ब्लड के बाद आएगा RH null. R small है. बेसिकली ये आपके पास सबसे रेयरेस्ट ब्लड की फॉर्म है, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन ब्लड. ये आपके पास बॉम्बे के अंदर सबसे पहले डिस्कवर हुई थी. राइट, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. RH नल, इसको हम गोल्डन ब्लड बोलते हैं. नल का मतलब होता है कि इसके ऊपर ऐसा कोई भी एंटीजन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है. वो भी हम ब्लड ग्रुप्स का जो आगे कंसिडर करेंगे. मंकी में आशना वो जो आपके पास वो होता है बेटे, आपके पास रीजस मंकी, जहां से आपके पास रीजस फैक्टर आया है. तो ये पहले इसको बोलते थे, अदरवाइज लेटर ऑन तो रीजस मंकी से आपके पास आया आरएच फैक्टर, जिसके बेसिस पर हम आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव बोलते हैं. जिनके अंदर आरएच पॉजिटिव आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है उनको हम आरएच पॉजिटिव बोलते हैं, और जिनके अंदर नहीं होता उनको हम बोलते हैं आरएच नेगेटिव. राइट, एंड ब्लड जो है आपके पास सिर्फ एक इकलौता जो है ये आपके पास कनेक्टिव फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. So it is the only fluid connective tissue. आप mention कर सकते हैं यहाँ पर. It is the only fluid connective tissue. Done. Next आपके पास blood के अंदर आपके पास दो चीजें आती हैं. First आता है आपके पास plasma, and second आते हैं आपके पास blood corpuscles. प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स. ब्लड कॉर्पसल्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपके पास थ्री टाइप्स के ब्लड कॉर्पसल्स आते हैं. वो है आपके पास एरिथ्रोसाइट्स, सेकेंड आते हैं आपके पास ल्यूकोसाइट्स, थर्ड आते हैं आपके पास थ्रोम्बोसाइट्स. थ्रोम्बोसाइट्स के लिए आपने कॉमन टर्म जो सुना होगा वो होता है आपके पास प्लेटलेट्स. एरिथ्रोसाइट्स के लिए जो टर्म है दैट इज द रेड ब्लड सेल्स आरबीसीस. ल्यूकोसाइट्स मींस डब्ल्यूबीसीस. एंड प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स, टोटल ब्लड के अंदर प्लाज्मा हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म करते हैं 55%, एंड ब्लड कॉर्पसल्स फॉर्म करते हैं आपके पास 45%. क्लियर? तो प्लाज्मा का जो कलर है ये आपके पास येलोइश ग्रीन है,
येलोइश ग्रीन इन कलर। तो कभी भी अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके ब्लड को देखो कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक ब्लड डोनेशन से आपका प्लाज्मा अलग करते हैं और एरिथ्रोसाइट्स को अलग करते हैं, ल्यूकोसाइट्स को अलग करते हैं, प्लेटलेट्स को अलग करते हैं। तो जिस पर्सन को जिस चीज की जरूरत होती है हम उसी अकॉर्डिंगली उसको डोनेट करते हैं। ऐसा नहीं है आपने ब्लड दे दिया और ब्लड का ब्लड हम उसको चढ़ा देते हैं। जिसकी चीज की जरूरत होती है हम वो चढ़ाते हैं, राइट। और प्लाज्मा के अंदर आपके पास 90% वाटर प्रेजेंट होता है। 90% वाटर प्रेजेंट है आपके पास प्लाज्मा के अंदर। एंड प्लाज्मा के अंदर सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, वो है आपके पास 10%, सॉरी 90% वाटर है तो ऑब्वियसली सॉल्यूट्स कितने होंगे आपके पास, ओनली 10%। जो सॉल्यूट्स प्रेजेंट हैं इनको हम क्लासिफाई करते हैं इनटू टू कैटेगरीज। दीज टू कैटेगरीज आर ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। सो ऑर्गेनिक की हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक के अंदर आते हैं आपके पास बहुत सारे प्रोटीन्स विच इंक्लूड्स प्लाज्मा प्रोटीन्स, आफ्टर दैट इसके अंदर आते हैं आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स आते हैं, विटामिन्स, जो भी कुछ आपके पास ब्लड के अंदर होता है अदर देन ब्लड सेल्स वो सब इसके अंदर आते हैं। विटामिन्स हो गए, वेस्ट हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो भी आपके पास ऑर्गेनिक के अंदर आता है। एंड इसके अलावा एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स आते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन थे, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है इनका मेन रोल होता है आपके पास ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। जब कभी हमें चोट लग जाती है तो वहां पर जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दीज टू, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। एंड ग्लोबुलिन्स की बात करते हैं तो ग्लोबुलिन्स होते हैं काइंड ऑफ हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज का मतलब होता है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम हार्मफुल पैथोजेंस, वो आते हैं आपके पास ग्लोबुलिन के अंदर, क्लियर। एंड यहाँ पर जो आपके पास एल्ब्यूमिन्स हैं इन एल्ब्यूमिन्स का मेन फंक्शन होता है आपके पास मेंटेन करना ऑस्मोटिक प्रेशर को। दे मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं कि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्वियसली नॉर्मल होना चाहिए। एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की हम बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स के अंदर आपके पास आते हैं स्मॉल अमाउंट में कुछ मिनरल्स एंड गैसेस। ये आपके पास इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स और ये आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का नंबर ज्यादा है और ये ओवरऑल टोटल ओनली एंड ओनली 10% फॉर्म करते हैं प्लाज्मा का। प्लीज नोट इट डाउन। डन। आर्शिया पंपिंग जो है आपके पास ये हार्ट की वजह से होती है, यू आर राइट। बट वेन्स के अंदर इतना प्रेशर जो है आपके पास वो खुद का ब्लड का होता है, वो हार्ट का इतना प्रेशर नहीं होता क्योंकि मेनली जो आपके पास आर्टरीज हैं उनके अंदर प्रेशर लगता है क्योंकि वो ऑर्गन्स के पास जा रही है। बट ऑर्गन से जो लेकर आ रही है दैट इज द प्रेशर ऑफ गैसेस ऑल्सो, उसके अंदर आपके पास CO2 का प्रेशर भी होता है इसीलिए।
जिसने नोट नहीं किया प्लीज, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, फटाफट से नोट कर लो। Done, all of you. So next आता है आपके पास retrocytes, leukocytes and thrombocytes. इनको मैं one by one आपको बताऊंगी, लेकिन मैं अभी general बता रही हूँ। ये जो आपके पास तीनों चीजें हैं, मतलब तीनों cells जो हैं, वैसे तो इनकी बहुत vast study है, but main जो आपने characteristics पढ़ने हैं इनके, वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कौन कौन से characteristics आपने पढ़ने हैं इनके। First आपने पढ़ना है इनका production. सेकेंड आता है इनकी मॉर्फोलॉजी, अदरवाइज इनका बहुत वास्ट डिटेल है, इतना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी के अंदर भी कुछ स्टेप्स आते हैं, विच इंक्लूड्स कि इनका साइज क्या है, मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल साइज क्या है, इनकी शेप क्या है, इन्हीं हेडिंग्स के अंदर हम इनको पढ़ेंगे। इनका लाइफ स्पैन क्या है और शेप हो गया, अगर स्ट्रक्चर आता है तो, अदरवाइज इनका नंबर कितना प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसके अंदर है नेक्स्ट आपके पास फंक्शंस, क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं मेन हमारे ब्लड के अंदर। एंड फेट, फेट मींस जब इनकी एज पूरी हो जाती है तो उसके बाद इनका क्या होता है। एंड लास्ट में डिसऑर्डर्स, क्योंकि नंबर अगर इंक्रीज होता है या नंबर डिक्रीज होता है तो ये हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं। क्लियर? सो इनका जो डिटेल है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट फिलहाल के लिए मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स दिखा रही हूँ फटाफट जो आज हमने किए हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग ब्लड वेसल्स, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, तो फटाफट से पूछ लीजिए एंड पहले देख लो फिर अटेंडेंस बोल। यहाँ से स्टार्ट किया था आज हमने एडवांटेजेस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ये मेन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के एडवांटेजेस थे, मेन पंपिंग ऑर्गन है, दैट इज व्हाई सफिशिएंट प्रेशर रहता है, रेगुलेशन होता है ड्यू टू आर्टेरियल मस्कुलेचर एंड प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स इन द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है आपके पास ब्लड वेसल्स, थ्री टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं। कैपिलरीज का भी स्ट्रक्चर सेम होता है, बट कैपिलरीज का स्ट्रक्चर इज नॉट इन योर सिलेबस, अदरवाइज सेम स्ट्रक्चर है इनका। एंड ल्यूमेन के बेसिस पर डिफरेंस है मेन, अदरवाइज मेम्ब्रेन्स दोनों में सेम है, इनफैक्ट तीनों में सेम है, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। कभी भी अगर आपको डायग्राम आता है पेपर में ब्लड वेसल्स का या सिंपल आर्टरीज का बोलते हैं या वेन्स का बोलते हैं, तो आप डायग्राम के अंदर कोशिश किया करो जो मैंने यहाँ पर लेबलिंग की है, लेबलिंग के अंदर ही मेंशन कर दो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ट्यूनिका इंटरना, तो ट्यूनिका इंटरना में आपके पास एंडोथीलियम है, इलास्टिक मेम्ब्रेन है। यहाँ पर आप छोटा सा एरो डाल के लिख सकते हैं कि इलास्टिक मेम्ब्रेन क्या प्रोवाइड करती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। एंड एंडोथीलियम ये एक तरह से बेसमेंट मेम्ब्रेन और वेयरिंग और टेयरिंग से प्रिवेंट करती है। ट्यूनिका एक्सटर्ना के अंदर आपके पास प्रेजेंट थी कोलेजन फाइबर्स एंड वाइट फाइबर्स, जो कि स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट इलास्टिसिटी ये प्रोवाइड करती है, आप ब्रैकेट में यहाँ पर लिख सकते हैं। ट्यूनिका मीडिया के अंदर सर्कुलर मैनर के अंदर अरेंज्ड होती है आपके पास इलास्टिक फाइबर्स, वही सेम इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। सो डायग्राम जो है आपका एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है एंड टीचर को थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि आपने डिटेल स्टडी की। सो कोई जरूरी नहीं है कि आप डायग्राम अलग बनाएंगे, एक्सप्लेनेशन अलग करेंगे, अगर उन्होंने मेंशन किया एक्सप्लेन करो तो ऑब्वियसली करना है, बट अगर नहीं भी पूछा तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए डायग्राम के अंदर आप ये सब चीजें एक्सप्लेन करो। आर्टरीज वेन्स में डिफरेंसेस, देन हमने स्टार्ट किया ब्लड, ब्लड के अंदर हमने प्लाज्मा कर लिए, बाकी ब्लड कॉर्पसेस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एनी डाउट्स? यस श्योर। डायपेडेसिस होता है पहले तो अर्जुन, आपके पास कोई ब्लड वेसल है, जस्ट अ मिनट, मान लीजिए कि आपके पास ये कैपिलरी है,
पतली सी होती है, थिन होती है कैपिलरीज, ये एंटर कर गए किसी ऑर्गन के अंदर, ठीक है, ये आपके पास कोई ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर एंटर कर गए। इन ऑर्गन्स के अंदर मान लीजिए ये जो ब्लू कलर के मैं मेंशन कर रही हूँ, दीज आर दी एंटीजन्स, राइट। एंटीजन्स का मतलब होता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, राइट। अब आपको पता है कोई फॉरेन पार्टिकल है, या फिर मान लीजिए इस ऑर्गन के अंदर कोई इन्फेक्शन, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल का मतलब ही वैसे ऑब्वियसली इन्फेक्शन ही होगा। सो ये जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज के अंदर आपके पास ब्लड है, ब्लड का मतलब है कि ब्लड के अंदर आपके पास प्लाज्मा है, WBCs है, RBCs है और प्लेटलेट्स। और WBCs जिसमें से आपको पता है कि ये इन्फेक्शन वाली साइट के ऊपर इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, तो ऐसे तो निकल नहीं सकते, ये आपके पास इंटैक्ट ब्लड वेसल दैट मींस कैपिलरी है, तो WBCs अपनी शेप को चेंज कर इन कैपिलरीज में से एमीबॉइड मूवमेंट कर यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे, क्लियर। द प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑफ WBCs by amoeboid movement and entering into the cell or organ, that is known as diapedesis. Clear? Clear, Arjun? Next, आपके पास अर्शिया arterial musculature and pre-capillary sphincter. ये आपके पास जो blood vessels हैं, ये आपके पास arteries हैं, ये आपके पास capillaries हैं। इन्होंने बोला मस्क्यूलेचर का मतलब होता है कि जो आर्टरीज हैं इनके अंदर इस तरह से, मस्क्यूलेचर मतलब इनके अंदर इस तरह से मसल्स प्रेजेंट होती हैं कि ये मेंटेन करती हैं ब्लड फ्लो, राइट। ये मेंटेन करते हैं आपके पास ब्लड फ्लो को कि कितनी स्पीड से ब्लड जो है वो आना चाहिए, और अगर स्पीड नहीं चाहिए, कम चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंगली इनका जो ल्यूमेन है वो नैरो या फिर एक्सपैंड करता है। अभी आपने पढ़ा स्ट्रक्चर्स ऑफ आर्टरीज के अंदर कि इनकी जो मेम्ब्रेन्स है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपके पास इलास्टिक फाइबर्स, राइट। ये इलास्टिक फाइबर्स मेन इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी आर्टरीज जो है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गन ये हमें ब्लड सप्लाई कर सके। एंड सेकेंडली जो कैपिलरीज होती हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स की, इनके आसपास जो हैं स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं कि वो ब्लॉक करते हैं या ओपन होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गन, दैट इज द मेन फीचर ऑफ द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर नाउ अर्जुन एंड अर्शिया? एमीबॉइड मीन्स बेटे जैसे चेंज कर सकते हैं शेप को, क्योंकि जो पर्टिकुलर शेप होती है WBCs की वो एज सच पास नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो एज सच पास हो जाते तो वो कहीं पर भी निकल जाते, ठीक है। ये एमीबॉइड शेप का मतलब होता है कि अपने आप को अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन अपनी शेप को चेंज करते हैं। क्लियर अर्जुन अर्शिया? ओके देन प्लीज गिव मी योर अटेंडेंस। कल आप ये सब पढ़कर आएंगे, मैं आपसे सुनूंगी, ठीक है। Okay then, still if you have any doubts then you can ask. Okay then, see you in the next class. Bye bye, take care.